हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ मयंक। सो भाई, आज अपने पास पुरानी VXI खड़ी है और नई VXI खड़ी है ब्रेज़ा। तो आज दोनों को ना कंपेयर करके देखते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अपनी जो नई ब्रेज़ा VXI है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो आज कंपेयर करके देखेंगे कि अपनी पुरानी VXI में ना क्या क्या मिलता था और नई VXI में वो सारी चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती, या नई में कुछ ऐसे एडवांस जो हुए हैं वो पुरानी में नहीं मिलते। सो फटाफट शुरू करते हैं यार फ्रंट लुक से। तो अपनी पुरानी ब्रेज़ा ना आगे से कुछ ऐसी लगती थी, क्रोम ग्रिल मिलती थी इसमें आपको, एंड जो सबसे मेन चीज़ है ना, इसमें आपको डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते थे। सो ये चीज़ जो अपनी नई ब्रेज़ा VXI है ना, उसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल बाय हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। सो ये एक ओमिशन हो गया है कार में। अब ये आपको डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको ZXI वेरियंट से मिलेंगे। ग्रिल आपकी पहले से वाइड कर दी गई है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड ये आपकी डार्क ग्रे फिनिश में कर दी गई है ग्लॉसी लुक में। उसके बाद भाई फॉग लैम्प्स की बात कर लेते हैं। फॉग लैम्प्स आपको दोनों ही कार्स में नहीं मिलते थे, बस जो इसकी फॉग लैम्प हाउसिंग है वो थोड़ी छोटी है, वहीं अपनी पुरानी ब्रेज़ा की फॉग लैम्प हाउसिंग काफ़ी बड़ी थी। सो आगे से तो ये डिफरेंसेस थे दोनों कार्स में। अब चलते हैं साइड की तरफ, तो दोनों की साइड प्रोफाइल कंपेयर कर लेते हैं। नई ब्रेज़ा में जो एक चीज़ आपको सारे वेरियंट्स में सेम चीज़ मिलेगी वो है आपके इसके टायर्स। इसमें आपको सारे वेरियंट सही, बेस वेरियंट सही 215/60R16 का टायर साइज़ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे 215/60R16, जबकि पुरानी ब्रेज़ा में LXI और VXI वेरिएंट में, खासकर अपने VXI वेरिएंट में, आपको 205/60R16 टायर साइज़ मिलता था। तो जो अपनी नई ब्रेज़ा है उसके टायर्स थोड़े ज़्यादा वाइड हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। बाकी क्लैडिंग का आपको पता ही है, क्लैडिंग पुरानी ब्रेज़ा में काफ़ी पतली मिलती थी और अब नई ब्रेज़ा में काफ़ी मोटी क्लैडिंग मिलती है। तो किसी को ये लुक पसंद है, किसी को ये लुक पसंद है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। बाकी टर्न इंडिकेटर्स आपको दोनों ही में ही ORVM माउंटेड मिलते हैं दोनों ही कार्स में। जो एक चीज़ एडिशन है ना, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा पुरानी VXI में, जबकि आपको नई VXI में वो ओमिट हो चुका है। एक्चुअली इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, तो इसीलिए आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है दोनों तरफ, जबकि ऐसा कोई भी चीज़ आपको VXI वेरिएंट में, नई वाली ब्रेज़ा में नहीं मिलती है, वो आपको ZXI से मिलनी स्टार्ट होगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना, आप यहाँ देख रहे हो, पुरानी वाली में आपको रूफ रेल्स मिल जाती थी VXI वेरिएंट में, जबकि नई वाली में कोई रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, पर जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा LXI वेरिएंट से ही शार्कफिन एंटीना, जबकि जो अपनी पुरानी VXI थी उसमें आपको ऐसा डंडे वाला एंटीना मिलता था। सो ये कुछ डिफरेंसेज है। उसके बाद क्वार्टर ग्लास की बात कर लेते हैं भाई। इसमें आपको छोटा क्वार्टर ग्लास मिलता था जिससे लाइट थोड़ी कम एंटर होती थी, और वहीं बात करें नई ब्रेज़ा की तो भाई क्वार्टर ग्लास आपको इसमें बड़ा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन। सो ये बात हो गई भाई साइड्स की। अब चलते हैं रियर की तरफ। सो ये हैं दोनों अपनी कार्स, ये न्यू वाली है, ये ओल्ड वाली है। इसके अंदर ना आपको कुछ ऐसे टेल लैम्प्स मिलेंगे, स्प्लिट LED टेल लैम्प्स, और यहाँ पे जो डिज़ाइन था वो कुछ ऐसा था टेल लैम्प्स का। दोनों ही LEDs हैं, पर इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी स्लिम आ रही है, तो इसकी वजह से जो गाड़ी है ना थोड़ी चौड़ी लग रही है। एंड वहीं अपनी जो पुरानी ब्रेज़ा है ना वो थोड़ी सी बल्की लग रही है, बट इतनी वाइड नहीं लग रही, जबकि दोनों की वेट बिल्कुल सेम है 70-90 mm। एक और चीज़ जो ऐड हो गई है ना बेस वेरिएंट से ही नई ब्रेज़ा में, वो है ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। पुरानी ब्रेज़ा में ये नहीं आती थी टॉप वेरिएंट में भी, और इसमें अब आपको स्टैंडर्ड मिल जाती है जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होने वाली है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको दोनों ही कार्स में। सो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो चारों पार्किंग सेंसर थे। सो ये था यार मोटा मोटा जो अपना फ़र्क था दोनों ही कार्स में। दोनों में ही आपको रियर डिफॉगर मिल जाते थे, नई वाली में भी और पुरानी वाली में भी। बूट स्पेस भी दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो बूट स्पेस दोनों की बिल्कुल सेम है, 328 liters की बूट स्पेस मिलती है इसमें आपको। पार्सल ट्रे आपको ना इसमें मिलेगी, ना पुरानी वाली में मिलती थी, ना नई वाली में मिलेगी। एंड जो स्पेस मैनेजमेंट है ना वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी सामान वामान रखने के लिए, ना ही कोई बूट लैम्प मिलेगा और ना ही 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं भाई, स्पेयर व्हील का साइज़ क्या है। तो जो स्पेयर व्हील का साइज़ है ना वो रहने वाला है 205/60R16। जो नई ब्रेज़ा है ना उसमें स्पेयर व्हील का साइज़ भी और नॉर्मल साइज़ भी 215/60R16 हो चुका है, जो थोड़ा वाइड है। तो नई वाली चेक, बूट स्पेस चेक कर लेते हैं अब ब्रेज़ा की। सो ये अपनी नई ब्रेज़ा की बूट स्पेस सेम 328 liters की होने वाली है।
इसमें भी आपको कोई बूट लैंप वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, पर यहाँ पे एक हुक दे दिया गया है सामान हैंग करने के लिए। अब इसका स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं भाई। सो ये देखो 215/60R16। तो भाई ये अच्छी चीज़ हो गई है कि अब स्टैंडर्ड ना, आपको चाहे आप बेस लो चाहे टॉप लो, आपको चाहे स्पेयर व्हील हो चाहे आपके नॉर्मल टायर्स हो, सब 215/60R16 साइज़ में मिलेंगे। सो गाइज ये तो बात होगी अपनी ओवरऑल एक्सटीरियर्स की, अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो वहाँ देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नई और पुरानी ब्रेजा में। तो जो पुरानी ब्रेजा में ना, ये देखो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, दोनों तरफ मिलता है आपको। एंड ये इसका इंटीरियर है, चारों पावर विंडो, वन टच ड्राइवर अप डाउन मिल जाएगा आपको, ये सेम रहने वाला है नई ब्रेजा के हिसाब किताब से। जो मेन चीज़ है ना भाई वो ये है, यहाँ पे ना आपको पहले पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता था VXI वेरिएंट से ही, जो अब ओमिट कर दिया गया है नई VXI वेरिएंट में ब्रेजा के। ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना, ये आपको ऐसा पूरा राउंड सर्कुलर मिलेगा, जबकि अपनी जो नई ब्रेजा है ना उसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक कुछ ऐसी है। एंड ये है अपनी ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक, इसमें आपको ये वाला टूडन सिस्टम मिलता था जो कि टच स्क्रीन यूनिट नहीं है, सिंपल स्क्रीन है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता था आपको VXI वेरिएंट में, जो अब आपको नई वाली VXI में भी मिलता है ब्रेजा में। सो कुछ ऐसा इंटीरियर था आपको, यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता था बीच में पहले VXI वेरिएंट में। रियर स्पीड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे आपको कोई रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते, जो नई वेरिएंट में एड ऑन हो चुके हैं, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ अभी। ये इसकी रियर सीट की स्पेस सिमिलर रहने वाली है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। अब गाइस चलते हैं अपनी नई ब्रेजा की तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता है जैसे पुरानी ब्रेजा में मिलता था आपको VXI में। ये सारे स्विचेस सेम मिलने वाले हैं आपको, चारों पावर विंडोज, ड्राइवर, वन टच अप डाउन, और जो आपके मिरर के एडजस्टमेंट्स हैं ना वो अब यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, पहली वाली ब्रेजा में वो यहाँ पे प्लेस थे। यहाँ पे अब ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आ चुका है, पर जो यहाँ पे चीज़ थी ना पुरानी ब्रेजा में वो भाई गायब हो गई है। उसकी जगह यहाँ पे आपको की का मिलता है स्लॉट, यहाँ पे पहले पुश बटन स्टार्ट स्टॉप हुआ करता था। स्टेयरिंग व्हील देख लो, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको नई ब्रेजा में। एयर इंस्ट्रूमेंट पॉड्स कुछ ऐसे हैं इसके। सो ये भी काफ़ी अप मार्केट लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जो एक चीज़ एड ऑन हो गई है ना, वो आपको इसमें अब स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है, जैसे आपको पुराने सियाज वगैरह में मिलता था, बेलिनो वगैरह में। सिस्टम आपको ये ऐड हो गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेम है पुराने वाला ही। एंड ये है कुछ ओवरऑल इंटीरियर्स की लुक नई ब्रेजा की। सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। सो भाई ऑल इन ऑल ना, जो इंटीरियर्स है ना वो काफ़ी इंप्रूव कर दिए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड ब्रेजा। ओल्ड ब्रेजा थोड़ी से ना प्लेन चेन इंटीरियर्स थे। ये रियर सीट की स्पेस है, इसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे रियर में, एंड रियर एसी वेंट ऐड हो गए हैं। सो ये थे कुछ चेंजेस जो अपनी पुरानी VXI और नई VXI में जो चेंजेस थे। और हाँ भाई एक चीज़ और, जो अपनी फ्रंट सीट है ना VXI में, उसमें आपको एडजस्टमेंट ही मिल जाती है अब सीट हाइट की, फ्रंट सीट हाइट्स की। देख रहे हो आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लीवर दिया हुआ है, जबकि जो अपनी पुरानी ब्रेजा थी ना VXI, उसके अंदर नहीं थी ये चीज़। मैं आपको वो भी चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई आपको सीट हाइट के लिए, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है जो आपको नई ब्रेजा VXI में मिल जाता है। सो अब आप खुद डिसाइड करो कि नई वाली VXI वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है अपने हिसाब से। एंड मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट्स है ना, वो LXI और ZXI वेरियंट है। उन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल पर उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको ऊपर आई बटन में। सो बस यही था यार आज की वीडियो में, मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस टेक केयर एंड सी या।